देन गुड मॉर्निंग अगेन. सो वी आर स्टार्टिंग आवर टॉपिक. आज का हमारा जो लास्ट जो क्लास में डिस्कस किया था हमने सारे स्ट्राइकर से डिस्कस कर लिए. कर्व शॉट हमने डिस्कस कर चुका है. 1500 का शॉट डिस्कस कर चुका है हमने कि कैसे मार करना है. ठीक है, अब हम बात करेंगे कि कर्व शॉट में कितने एथलीट भाग सकते हैं और अगर ज्यादा हो गए तो एक स्प्लिट स्टार्ट नाम की कोई चीज होती है. ये यहाँ पे है स्प्लिट स्टार्ट नाम की कोई चीज होती है जिसे मतलब क्या होता है हम ये देखेंगे कि बहुत लोगों के लिए नया कॉन्सेप्ट होगा, नया टर्म होगा, बहुत लोगों को पता नहीं होगा किस तरह से मार्क करना है. तो ये स्प्लिट स्टार्ट क्या होता है. ओके स्टूडेंट्स, तो मुझे कोई बता सकता है कि अगर एक हम कर्व शॉट देते हैं तो उसमें एक बार में कितने एथलीट भाग सकते हैं? 12. और 12 से ज्यादा हो गए तो स्प्लिट स्टार्ट. एनीबडी एल्स? हाँ ओके. दादा, हम ओलंपिक लेवल की बात कर रहे हैं. अगर आपने अगर नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट कॉम्पिटिशन कराया तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि बहुत सारे एथलीट्स को रन एक साथ करवा दिया जाता है. वो सब अलग चीज़ें, हम थोड़ा ऑथेंटिक की बात करेंगे कि हाँ ओरिजिन होता क्या है. तो हम यहाँ बात करेंगे, इसको हम रब कर देते हैं यहाँ पे. कितने एथलीट्स, चलिए मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूँ. 1500 में कितने एथलीट्स भाग पाते हैं? 1500 में कितने एथलीट भागते हैं? 12 15. और कोई? और 15 ज्यादा हो गए तो हीट होगा. मतलब इसमें स्प्लिट साइड यूज करते हैं क्या? नहीं. वेरी गुड. आई मीन वेल, इसके अंदर स्प्लिट स्टार्ट हम लोग नहीं यूज करते हैं. तो हम लोग स्प्लिट स्टार्ट जो यूज करते हैं, जो कर्व जो दो हैं यहाँ हमारे, एक 200 मीटर के पास और एक 400 मीटर के फिनिश लाइन के पास, इसमें हम लोग कर्व शॉट यूज करते हैं. तो आपने बताया कि इसमें 12 एथलीट्स भाग सकते हैं. ठीक है, अगर 12 से भी ज्यादा हो गए, मोर देन 12, तब क्या करेंगे आप? स्प्लिट स्टार्ट देंगे. ठीक है, स्प्लिट स्टार्ट के लिए आप क्या करेंगे आप लोग कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास, अच्छा स्प्लिट स्टार्ट भी कब तक देंगे आप, कितने एथलीट तक देंगे स्प्लिट स्टार्ट? ओके, 19 एथलीट्स. ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको 19 एथलीट्स तक, अगर 19 एथलीट्स है तो. पर आप यहाँ बात करेंगे कि स्प्रिट स्टार्ट में कितने बच्चे दौड़ेंगे और कर्व शॉट में कितने बच्चे दौड़ेंगे. तो अब इसको करते क्या है, इसको हम डिवाइड करते हैं इस तरह से. ये हो गया हमारा कर्व स्टार्ट के ऊपर, जो हमारा कर्व स्टार्ट है उस पर भागेंगे, और स्प्लिट स्टार्ट भी एक कर्व स्टार्ट है, इसको स्प्लिट कर देते हैं हम इस चीज को. तो किस रेशियो में हम लोग स्प्लिट करते हैं इसको, दैट इज इसी चीज के ऊपर ये पढ़ा है स्प्लिट स्टार्ट. तो किस रेशियो में हम लोग इसको स्प्लिट करते हैं? 65% एंड 35%. ओके, तो 19 का 65% कितना होगा बताइए, और 35 का बाकी बच्चे 7 एथलीट्स. मतलब अगर टोटल 19 एथलीट्स, अगर 19 एथलीट्स से अगर ऊपर जाएंगे तो वहां पे हम लोग यूज करेंगे हीट्स. ठीक है, और अगर 19 तक है तो डिवाइड करेंगे 65 और 35 से, तो आएगा यहाँ पे 12 और यहाँ पे आएगा 7. अगर हम फॉर एग्जांपल ले लेते हैं 15 एथलीट्स, तब 65% से कितना आएगा और 35% कितना आएगा 15 का? अच्छा आप लोग कैलकुलेटर बताइए. चलिए आप लोग कैलकुलेटर अपने पास रखिएगा. अभी हम देखते हैं कि स्प्लिट स्टार्ट जो है बच्चा एथलीट भागते हैं तो एथलीट रन कैसे करता है स्प्लिट स्टार्ट. तो हम यहां बात करेंगे कि कर्व शॉट में भी क्या होता है
कि जो एथलीट रन करता है वो यहाँ पर मतलब यहीं से लेन चेंज कर सकता है, बट 1500 मीटर में ऐसा नहीं होता है, सॉरी 1500 सॉरी मतलब स्प्रिट स्टार्ट में ऐसा नहीं होता है। जहाँ पे स्प्रिट स्टार्ट हम यूज करेंगे वहां पे होता क्या है कि स्प्रिट स्टार्ट मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने दिया है 10,000 मीटर के लिए, एथलीट अगर ज्यादा हो गए 12 से हमने स्प्रिट स्टार्ट दिया है, ठीक है। स्प्रिट स्टार्ट हमने कहां से देंगे, यहां से थोड़ा सा आगे से, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लेन छोड़ के फिफ्थ लेन सिक्स लेन और सेवेंथ लेन और एट लेन में हम यहां से स्प्रिट स्टार्ट का लाइन ड्रॉ करेंगे। तो स्प्रिट स्टार्ट का लाइन हम किस तरह से ड्रॉ करेंगे हम आपको बताएंगे। हम पहले ये बता देते हैं कि हम एथलीट्स भागया कहां तक, ये एथलीट्स जो इसमें होंगे वो लेन तो चेंज कर सकते हैं पर फिफ्थ लेन तक, फिफ्थ लेन के अंदर नहीं आ सकते। अगर फोर्थ लेन में उन्होंने पैर रख दिया तो वो फाउल हो जाएगा उनके लिए। और ये कब तक उनके लिए रूल अप्लाई रहेगा, कब तक, सिर्फ एक फर्स्ट कर्व तक। यहाँ कर्व के बाद यहाँ से जो एक जो ब्रेक पॉइंट जो ब्रेकिंग पॉइंट्स होते हैं जो जहाँ से हम ब्रेक कर रहे होते हैं यहाँ पर मार्क होते हैं, ब्रेक पॉइंट्स में मार्क हमने किया नहीं था पहले, मैंने आपको कैसे बताया था ब्रेक पॉइंट्स होते कैसे, यहाँ पर होते हैं 5x5 सेंटीमीटर के ऐसे। तो फिफ्थ लेन का फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ लेन का यहाँ पर जो है वहां पे वो कोन रखा हुआ रहेगा, यहां से जो एथलीट दौड़ते हुए आएंगे सारे यहाँ पे आके वो लेन चेंज कर लेंगे। और जो पहले लेन में एथलीट सारे वो तो अपना इजीली दौड़ते ही रहेंगे, मतलब जो इस कर्व से स्टार्ट करेंगे तो कहीं भी जा सकते हैं पूरे लेन में, मगर जो यहाँ पर होंगे वो सिर्फ फोर ही लेन में फोर मतलब वो फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ में ही भाग सकेंगे, ठीक। यहाँ पे आके वो चेंज कर पाएंगे यहाँ से इस तरह से, ठीक। यहाँ पे वो कोन रखा होगा, उसके लिए होता क्या है इनके लिए, यहाँ पे पूरे जो लाइन है ना इसके ऊपर कोन्स कुछ कुछ दूरी पर रखे होते हैं ताकि एथलीट्स को याद रहे, और यहाँ पे लास्ट कौन प्लेस रहेगा यहाँ से वो चेंज कर लेगा। स्प्रिट शॉट तो मार कैसे करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा फिफ्थ लेन का, अब स्ट्रैगर देखते हैं हम, फिफ्थ लेन का जो हमारा स्ट्रैगर होता है हाफ स्ट्रैगर प्लस डीडी भी तो हम करेंगे, तो हाफ स्ट्रैगर प्लस डीडी कितना होता है फिफ्थ लेन का बताइए, तो यही पे हमने मार्क किया था 800 के लिए भी स्टार्ट, वही है बस। तो अब हमें पॉइंट तो मिल गया है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारा ऑलरेडी वो मार्क है यहाँ पे। यहां से हम क्या करेंगे आगे, अगेन यही भी 20 सेंटीमीटर छोड़ के 30 मीटर आगे रस्सी लेंगे यहाँ पे इस तरह से, ठीक। और इसको हम कर्व को से ड्रॉ कर देंगे, तो आप देख पाएंगे कि यहां से अगर हम ड्रॉ करेंगे इस तरह से, ठीक है, ये हमारा स्प्रिट स्टार्ट जाएगा। तो जो एथलीट्स यहां से भाग रहे होंगे वो तो यहीं से चेंज कर लेंगे, और जो यहां से भागेंगे वो यहां पे ही चेंज कर पाएंगे यहां तक, और वो मतलब यहां से वो अपने लेन में भागेंगे, यहां से वो पूरे फर्स्ट लेन में एंटर करने का उनको परमिशन होगा। सेम वे यहां पर देखते हैं, यहां पर भी इसी तरह से होगा, जो ये एथलीट्स होंगे वो चेंज कर पाएंगे, पर जैसे इवेंट यहां पे हमारा 5000 मीटर है, अगर एथलीट्स 12 से ज्यादा हो गए उनके लिए भी सेम ही फॉर्मूला है। यहां पे भी हम क्या करेंगे, हाफ स्टैगर प्लस डीडी लेंगे, तो यहाँ पे हाफ स्टैगर और प्लस हाफ स्टैगर तो मार्क है प्लस डीडी मार्क नहीं है यहाँ पे, ठीक। तो हाफ स्टैगर प्लस डीडी कितना वैल्यू बताया आपने फिफ्थ लेन का, 15.16। तो यहाँ पे 1 2 3 फिफ्थ लेन में यहां से लेंगे आप 15.16, यहां से 15.16 लेंगे 20 सेंटीमीटर छोड़ के, इससे थोड़ा सा आगे आएगा क्योंकि हाफ स्टैगर यहां पर है और यहां पे जो है आपका प्लस डीडी रहेगा, तो यहां से आप ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से, इसको रब कर देते हैं। हैव यू गॉट हाउ टू ड्रॉ स्प्रिट स्टार्ट कैलकुलेशन वही रहेगा जो आपका हाफ प्लस डीडी ऑफ फिफ्थ लेन, हाफ प्लस डीडी ऑफ फिफ्थ लेन, वहां से हम आगे 30 मीटर तक लेंगे 20 सेंटीमीटर छोड़ के, और वहां से हम ड्रॉ कर लेंगे, ये आ जाएगा हमारा स्प्रिट स्टार्ट। अब यहाँ पे जो है वो बचे हुए जो हमारे जो भी एथलीट्स होंगे वो यहाँ खड़े होंगे और बाकी एथलीट्स यहाँ पे खड़े होंगे, ये वाले एथलीट्स जो है चेंज लेन यहाँ पे आकर करेंगे और ये वाले एथलीट्स कहीं भी जा सकते हैं। सो यहाँ पे हमारा जो है स्प्रिट स्टार्ट खत्म हो गया, किसी को डाउट है, ओके देन थैंक यू क्लास फॉर स्प्रिट स्टार्ट। अभी हम आगे देखेंगे कि किस तरह से हम लोग स्टेपल चेस और भी मार्किंग्स वगैरह है अगर, तो फिलहाल अभी हमारा यहाँ पे स्प्रिट स्टार्ट